घर में किसी की बर्थडे पार्टी हो या फिर किसी की दावत, ये रेसिपी बहुत ही परफेक्ट रहेगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ चिकन चीज़ क्रेप की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी होता है ये, और इसे मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें न्यू अपडेट्स के लिए। तो चलिए देखते हैं इसका बनाने का तरीका। यहाँ पर मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन लिए हैं, जिसे मैंने छोटे छोटे से पीसेस में कट किया है। हम इसमें आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे और आधा चम्मच ही हम इसमें काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, तीखी हुई लाल मिर्ची पाउडर है ये, और एक चम्मच हम भर के जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डालेंगे, यानी लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे, एक चम्मच वाइट सिरका डाल देंगे विनेगर, और एक चम्मच ही हम इसमें सोया सॉस डालेंगे, डार्क वाला सोया सॉस है ये। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे तरीके से इसे मिक्स करना है, और इसे मिक्स करके हम रख देना है हमें मैरिनेट करके। जितना हम इसे मैरिनेट करके रखेंगे उतना ही इसके अंदर अच्छा टेस्ट आएगा। अब यहाँ पर मैंने इसमें 2 ड्रॉप रेड फूड कलर डाल दिया है, और इसे अच्छे से फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट करके हम इसे आधे घंटे के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है, पैन में 2 चम्मच तेल गरम करेंगे और जो हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन है उसे हम इसमें डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, रेसिपी बहुत ही आसान है और बहुत ही कम वक्त में हो जाएगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी ये। अब इसे हमने अच्छे से हाई फ्लेम पर फ्राई करना है 1 से 2 मिनट के लिए। जब इसका कलर चेंज हो जाए, सफ़ेद दिखने लगे, देखिए इस तरह से जब सफ़ेद हो जाए तो हम इसे क्या करना है, हमें इसे गलाना है। तो हम इस पर ढक्कन रख देंगे और इसे पानी वगैरह कुछ भी नहीं ऐड करना है, ढक्कन रख देंगे और इसे 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे। और हमारी टॉर्टिला बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप मैदा ले लिया है, आधा चम्मच उसमें नमक डाल देंगे और 3 चम्मच ऑयल डालेंगे, रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करना है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ पर मैदे से ही ये बनाएं, यहाँ पर आप आटे का इस्तेमाल ना करें। 2 चम्मच हमने इसमें दही डाल दिया है, दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम। तो अभी हमें इसका घोल तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप दूध ले लिया है, दूध नॉर्मल टेम्परेचर का लेना है, गर्म नहीं लेना है और ना ही फ्रिज का ठंडा लेना है। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा करके दूध ऐड करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक साथ हम डाल देंगे तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे और सही नहीं होंगे जल्दी वो। तो पहले हम इसका अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे, फिर उसके बाद दूध डालकर हम इसकी अच्छी सी इस तरह से घोल बना लेना है। तो आप देख सकते हैं इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए कि जब हम इसे पैन में डालें तो ये अच्छे से स्प्रेड हो जाए। 15 मिनट हो चुके हैं तो हम चिकन को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से गल गए हैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटे पीसेस हैं इसके, इसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये रेडी हो गए हैं। बीच में मैंने इसे एक बार चेक किया था तो बहुत सारा पानी इसमें से रिलीज़ हुआ था, तो अब सारा पानी ड्राई हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पत्ता गोभी, कैबेज को बारीक चॉप करके डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर इसे चॉपर में चॉप किया है, और 1 बड़ी सी प्याज को भी मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है, और थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड कर देंगे वेजिटेबल्स के लिए। चिकन में हमने पहले ही नमक डाल चुका है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए हमें ढक्कन ढककर पका लेना है कि ये वेजिटेबल्स जो है थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए 3 मिनट हो गए हैं और यहाँ पर हमारी जो वेजिटेबल्स हैं सॉफ्ट हो गई हैं। तो यहाँ पर आप कैप्सिकम भी डाल सकते हैं, आज मेरे पास कैप्सिकम नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला है इसमें। तो कैप्सिकम आप ज़रूर डालें, बहुत ही अच्छा से फ्लेवर आएगा और टेस्ट आएगा। अब यहाँ पर मैंने इसमें 1 चम्मच भर के शेज़वान सॉस डाल दिया है, अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर हरा धनिया मुट्ठी भर कर डाल देंगे हम बारीक कटा हुआ, और 3 क्यूब को मैंने यहाँ पर अच्छे से ग्रेट कर लिया है, तो इसे हम डाल देंगे। बारीक से ग्रेट करना है हमें, और फिर इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और गैस का फ्लेम हमें ऑफ़ कर देना है यहाँ पर। तो चीज़ डालने के बाद बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इसे हमें ठंडा कर लेना है। अब हम यहाँ पर टॉर्टिला बना लेना है। तो यहाँ पर मैंने पैन को रख दिया है गैस पर, और उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे हम, 1/2 टीस्पून डालेंगे, और इसे ब्रश की मदद से अच्छे से फैला लेंगे। गैस के फ्लेम को हमें लो कर देना है
और यहाँ पर हमने जो बैटर बना कर रखा है वो एक लैडल भर कर फुल डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा लैडल जो हमारा छोटा है तो यहाँ पर मैंने डेढ़ डाल दिया है, और इसे अच्छे से हमें इस तरह से स्प्रेड कर देना है। जितनी बड़ी आप चाहते हैं उतनी बड़ी आप यहाँ पर टॉर्टिला बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पर बड़ी टॉर्टिला बनाएंगे तो आपकी चार बनेगी, और अगर आप इस तरह की मीडियम बनाएंगे तो छः बन जाएगी आपकी। अब इसे हमने हाई फ्लेम पर सेक लेना है, और जब ऊपर का हिस्सा ड्राई हो जाएगा तभी हमें इसे पलटना है। अगर आपने पहले पलट दिया तो ये टूट जाएंगे, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। और इस तरह से अच्छे से हमें उलट पलट कर इसे अच्छी तरह से सेक लेना है। चेक कर लेंगे हम ऊपर नीचे करके, और ये देखिए अच्छे तरीके से सेक गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे, और इसी तरीके से हमें सारी टॉर्टिला को तैयार कर लेना है। और फिर से हम गैस की फ्लेम को लो कर लेंगे और तवे को हमारे ग्रीस कर लेंगे, और डेढ़ चम्मच भर के हमने यहाँ पर डाल दिया है बैटर को, और इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। जब हम इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे फिर हमें फ्लेम को हाई कर लेना है, और हाई फ्लेम पर जब ये अच्छे से ऊपर का हिस्सा सूख जाएगा तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर ऑयल डाल देना है, बहुत थोड़ा सा, और इसे ब्रश से हम फैला लेंगे और उसे पलट लेंगे। और नीचे के हिस्से को भी अच्छे तरीके से सेक लेना है, उलट पलट कर इसे अच्छे से हमें सेक लेंगे और इसे निकाल लेना है। और इसी तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर सारी टॉर्टिला को रेडी कर लिया है। तो चलिए अब हम अपना रैप बना लेते हैं। तो यहाँ पर बीच में से इस तरह से एक बार कटिंग कर लेंगे हम छुरी की मदद से, और चम्मच से हम यहाँ पर एक हिस्से पर इस तरह से डाल देंगे, ट्रायंगल शेप में रखेंगे। तो अच्छा खूब सारा सा बैटर हम यहाँ पर डालेंगे और अच्छे से ट्रायंगल शेप में इसे सेट कर देंगे, और इस तरह से जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से हमें इसे रैप कर लेना है। तो बहुत ही सॉफ्ट होती है हमारी टॉर्टिला, आप इसे संभाल कर केयरफुली करें। और ये देखिए एक रैप हमारा तैयार है, और इसी तरीके से मैं आपको एक और बता देती हूँ। इसे हम एक प्लेट में रखते जाएंगे। इसी तरीके से हमें दूसरी टॉर्टिला भी हमने यहाँ पर रख ली है, और इसे बीच में से कट कर लिया है, और इस तरह से हमने चिकन यहाँ पर रख दिया है, और इसे इस तरह से रैप कर लेंगे जिस तरह से मैंने बताया है, आप उसी तरीके से बिल्कुल कीजिएगा, बहुत ही अच्छे से बनेगा। और इस तरीके से मैंने सारे रैप को तैयार कर लिया है, और अभी हमें इसे सेक लेना है। तो यहाँ पर मैंने पैन में तेल डाल दिया है, एक चम्मच तेल मैंने यहाँ पर डाला है, और अच्छे से हमने गर्म कर लेना है तेल को। और इस पर हमारे तवे पर जितने आएंगे पैन में उतने हमने यहाँ पर रैप रख लेने हैं, और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमें सेक लेना है। तो अच्छे से इस तरह से हम ऊपर से इस तरह से दबा देंगे कि ये अच्छे से सेक जाए। गैस का फ्लेम हमें हाई रखना है क्योंकि यहाँ पर हमारी टॉर्टिला जो है वो सेकी हुई है, तैयार है, सिर्फ हमें इसे कलर देना है, अच्छा सा गोल्डन कलर देना है। तो ये देखिए अब नीचे का हिस्सा जब गोल्डन हो जाए तो हम इसे पलट लेंगे, और इसे पलटने के बाद हमें दूसरा हिस्सा भी अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लेना है। और अब ये दोनों तरफ से अच्छे से सेक चुका है तो इसे निकाल लेंगे, और जो हमारे बाकी के बचे हुए हैं उसे भी हम इसी तरीके से सेक लेंगे। और ये देखिए हमारा चिकन रैप तैयार है। तो फ्रेंड्स आपने देखा ये कितनी आसानी से हमने घर में बनाया है, तो आप इस तरीके को फॉलो करें और ज़रूर इस रेसिपी को घर में बनाएं। और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, अल्लाह हाफिज़। चिकन हाफ मून पाई की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे ये। एज ए स्टार्टर आप इसे बना सकते हैं, ब्रेकफास्ट में आप इसे बना के खा सकते हैं, और बच्चों को इसको रखकर टिफ़िन में भी आप दे सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आएगा ये। तो फ्रेंड्स रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए देखते हैं इसका बनाने का तरीका। मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में दो चम्मच तेल गरम कर लिया है, तो इसे हम सिर्फ दो चम्मच तेल में बनाने वाले हैं। एक चम्मच भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे इसमें, और इसे एक मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करना है। रॉ स्मेल ख़त्म होने तक इसकी हम इसे भून लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे आधा किलो चिकन है, बोनलेस चिकन, जिसे मैंने बहुत ही छोटे छोटे से पीसेस में कट किया है, और इसे अच्छे से वॉश करके साफ़ कर लेंगे और पानी निथार लेंगे इसका, और इसमें डाल देंगे हम, और अच्छे से भूनेंगे हम इसे। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा इस तरह से, तो इसमें हम मसाले ऐड करेंगे, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर, एक चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे,
और एक चम्मच जितना ही हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो मिर्ची मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च को भी काट कर डाल सकते हैं। अब इसे एक बार मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इसमें हम ऐड करेंगे एक चम्मच विनेगर, और एक चम्मच ही हम इसमें डालेंगे सोया सॉस। बहुत ही अच्छा चाइनीज़ वाला फ्लेवर इसमें आएगा। और यहाँ पर मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है, लेकिन ये पानी चिकन में से बहुत सारा पानी निकला है, तो हमें इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, इसी पानी में हमें इसे गला लेना है। तो मैंने ऊपर से ढक्कन ढक दिया है और लो फ्लेम पर हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए पका लेंगे। जब तक हमारा चिकन यहाँ पर गल रहा है तो हमने यहाँ पर ब्रेड ले लिया है, तो यहाँ पर हमें फ्रेश वाले ब्रेड लेना है, क्योंकि जब हम इसे इस तरह से बेलेंगे तो फ्रेश ब्रेड होंगे तो बहुत ही आसानी के साथ ये अच्छे से बेल जाएंगे। और अब हम इसे राउंड शेप में कट करेंगे, तो मैंने यहाँ पर एक ढक्कन ले लिया है, ढक्कन की मदद से हम इसे कट कर लेंगे। अगर आपके पास राउंड कटर है तो इस तरह का, अगर बड़े शेप का तो आप इस तरह से उसे भी काट सकते हैं। और ये देखिए एकदम पतला सा बन गया है ये, तो इसी तरह से हमें सारे काट लेने हैं। और अब हम यहाँ पर 15 मिनट हो चुका है, चेक कर लेते हैं चिकन को। चिकन अच्छी तरीके से गल चुकी है और पानी भी इसका सूख चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ वेजिटेबल्स। तो एक बड़ी सी कैप्सिकम थी, उसे मैंने इस तरह से छोटे पीसेस में कट किया है, वो डाल देंगे। और एक बड़ी सी ऑनियन को भी मैंने बारीक चॉप करके डाला है, और एक कप ही यहाँ पर मैंने चॉप किया हुआ कैबेज भी डाल दिया है, पत्ता गोभी। और यहाँ पर थोड़ा सा हम नमक ऐड करेंगे वेजिटेबल्स के लिए। चिकन में तो हमने पहले ही नमक डाल दिया था, थोड़ा सा नमक हम वेजिटेबल्स के लिए भी इसमें ऐड करेंगे, और अच्छे से मिक्स करेंगे इसे। मिक्स करने के बाद हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक्कन ढककर पका लेना है लो फ्लेम पर, कि वेजिटेबल्स थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। बस अब यहाँ पर देखिए 3 मिनट हो गए हैं और मैंने ढक्कन हटाया है, वेजिटेबल्स सॉफ्ट हो चुकी है, और अच्छा सा कैप्सिकम का कलर भी अच्छा सा है, ग्रीन सा चेंज नहीं हुआ है इसका कलर। तो अब हम इसे यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, और ऊपर से मैंने यहाँ पर 2 चीज़ क्यूब को बारीक से ग्रेट करके डाल दिया है, तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। चीज़ यहाँ पर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फिलिंग्स को बहुत ज़्यादा बना लिया है, क्योंकि मैं इसे आधा यूज़ करूँगी और आधा मैंने इसे फ्रीज में रख देना है स्टोर करके, और जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम इसे निकाल कर बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर 10 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, और उसे मैंने इस तरह से राउंड में कट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने 2 चम्मच आटा लिया था, और आटे में मैंने थोड़ा सा पानी डालकर इसे इस तरह से पतली सी लई जैसा बना लेना है हमें। अब एक पीस हम उठाएंगे यहाँ से, एक बोल को उठा लेंगे, और इस पर हम रखेंगे जो चिकन की फिलिंग्स हमने बनाकर रखी है, तो यहाँ पर हम इस पर रख देंगे। अब हमने जो ये घोल बनाकर तैयार करके रखा है वो इस तरह से हमने पूरे सर्कल पर डाल देना है, और इसे उंगली की मदद से अच्छे से फैला लेना है। तो इसे आप यहाँ पर ये काम पानी से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इस तरह से किया है, तो ये अच्छे चिपक जाएंगे और खुलेंगे नहीं। और इसे इस तरह से मैंने हाफ फोल्ड कर दिया है, हाफ फोल्ड करके इसे हम अच्छे से चिपका देंगे। तो मैं यहाँ पर इसे बेक करने वाली हूँ। आप इसे फ्राई करके भी बना सकते हैं, बस आपको क्या करना है, अंडा ले लेना है, फेंट लेना है, या तो फिर आपने कॉर्नफ्लावर और मैदे की स्लरी बनाकर उसमें इसे डिप करना है, और ब्रेड क्रम से इसे कोट करके, और फिर इसे हमने डीप फ्राई कर लेना है। मैंने आज यहाँ पर इसे बेक करके बनाया है। तो दूसरा भी मैं एक आपको बताती हूँ, अच्छे से राउंड पर हमने ये पेस्ट को फैला देना है, और हम यहाँ पर चिकन रख देंगे और इसे अच्छे से इस तरह से जोड़कर अच्छे से चिपका लेंगे। तो ये बेक किए हुए भी बहुत ही अच्छे लगते हैं, और फ्राई किए हुए भी बहुत अच्छे लगते हैं। ये आपकी चॉइस है, आप इसे किस तरह से बनाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे चिकन पाई को बनाकर तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक अंडा, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी मिर्ची डालकर उसे अच्छी तरीके से फेंट लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक बेकिंग ट्रे ले ली है, और उस पर मैं इस तरह से अच्छे से इसे रख लूँगी, अच्छे से सेट करेंगे इसे। यहाँ पर हमारे 10 चिकन पाई बने थे, इसे मैंने रख लिया है। अब ये जो हमने अंडा फेंट कर रखा है, इसे सब तरफ अच्छे से लगाएंगे, इससे क्या होगा, बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा इस पर। तो सब पर हमने यहाँ पर लगा लिया है, यहाँ पर मैंने अच्छे से इसे एग से ब्रश कर दिया है। अब इस पर हम रखेंगे ग्रेटेड चीज, तो अच्छे से फैलाकर हमने इस पर रख देना है चीज को।
तो चीज़ से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, इसलिए मैंने आज इसे बेक करके बनाया है। इसे मैं बेक करूँगी 200 डिग्रीज़ पर पूरे 20 मिनट के लिए, तो अच्छा से इस पर कलर आ जाएगा। अगर आप इसे पैन में सेकना चाहते हैं तो पैन में भी आप इसे सेक सकते हैं। पहले पैन को थोड़ा सा ग्रीस कर ले और फिर उस पर ये सारे हम बिछा दें जितने आएंगे, और इसे हमने 20 से 25 मिनट के लिए ढककर पका लेना है। अब इसे गार्निश कर देंगे हरे धनिया से। और यहाँ पर हमारे हाफ मून पाई बनकर तैयार है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे, ये सबको बहुत पसंद आया था। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, बच्चों को बहुत पसंद आएगा और इसे आप बच्चों को टिफ़िन में भी रख कर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें न्यू अपडेट्स के लिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल फूड टाइम फूडिशियस। आज हम बनाएंगे चिकन पिज्ज़ा नान। इसे बनाना बहुत आसान है और इसके लिए हमें ओवन की ज़रूरत नहीं है, इसे हम पैन में ही बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनता है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम यहाँ पर अपना आटा तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक चम्मच शक्कर डाल दी है बॉल में, और एक चम्मच यहाँ पर नमक डाल देंगे, और एक बड़ा चम्मच हम यहाँ पर यीस्ट डाल देंगे, और यहाँ पर हम गर्म पानी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर पानी नीम गर्म होना चाहिए, आप इसमें एक उंगली डालकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कप पानी डाल दिया है इसमें, नीम गर्म पानी, और हम यहाँ पर इसे अच्छे से पहले बीट कर लेंगे कि हमारी शक्कर और नमक और जो यीस्ट है वो अच्छे से इसमें डिज़ोल्व हो जाए। अब यहाँ पर हम इसे 10 मिनट के लिए ढक देंगे। 10 मिनट के बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये अच्छा सा फोमी टाइप हो जाएगा, अच्छा से इसमें झाग आ जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। तो यहाँ पर मैंने 3 कप मैदा लिया है, वज़न से देखेंगे तो ये 400 ग्राम होगा। 3 कप मैदा हम ले लेंगे, और यहाँ पर हम थोड़ा सा घी ऐड करेंगे इसमें, 2 चम्मच जितना हम इसमें घी डाल देंगे। तो इससे हमारी नान जो है बहुत ही अच्छी सॉफ्ट बनेगी। और इसे एक बार हम मिक्स कर लेते हैं। इसे हम हाथों से ही मिक्स करेंगे और इसका हम अच्छा सा डो बनाएंगे। यहाँ पर हमें एकदम सॉफ्ट सा डो बनाना है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखना है हमें। तो ये मैं यहाँ पर हाथ से अपने गूंद लूँगी इसे। और यहाँ पर हमें अगर पानी लगेगा तो हम यहाँ पर नीम गर्म पानी ही लेंगे, आप इसमें बहुत ज़्यादा गर्म पानी भी मत डाल दीजिएगा, इससे हमारी जो यीस्ट है हमने इसमें ऐड की है वो डेड हो सकती है। तो इसे नीम गर्म पानी ही डालिएगा और ठंडा पानी भी मत डालिएगा। तो यहाँ पर हम इसे एक बार अच्छे से गूंद लेते हैं, अच्छा सा हमें नरम सा डो बनाना है। तो यहाँ पर मैंने इसे गूंद लिया है। अब यहाँ पर मैं ऊपर से थोड़ा सा घी डाल दूंगी और हम इसे अच्छे से घी में कोट कर लेंगे। अच्छे से हम इसमें घी लगा देंगे और अब हम इसे रख देंगे। तो यहाँ पर आप इसे ढक कर रख दीजिए, मैं यहाँ पर इसे क्लिंग रैप से रैप कर दूंगी, और इसे हम किसी गर्म जगह पर रख देंगे। आजकल गर्मी का सीज़न है तो बहुत ही जल्दी ये राइज हो जाएगा। अच्छे से हम इसे रैप करके इसे 2 घंटे के लिए रख देंगे। 2 से 3 घंटे के लिए हमें रखना ज़रूरी है। तो हम इसे रख देते हैं रेस्ट पर, और यहाँ पर हम अपनी फिलिंग्स की तैयारी करते हैं। तो एक कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच तेल गरम कर लिया है, 1/2 चम्मच इसमें मैंने अदरक का पेस्ट डाल दिया है, और 1/2 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, और इसे एक बार हम अच्छे से स्टर कर लेंगे। 1 मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे इसकी कच्ची स्मेल ख़त्म होने तक। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 किलो बोनलेस चिकन है, जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। तो इसे हम चलाते रहेंगे इस तरह से, और इसका कलर चेंज हो जाए तब तक हम इसे पका लेंगे। चिकन का कलर चेंज हो गया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हम इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच डालेंगे एक चाट मसाला पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर इसमें बहुत सा पानी निकला है चिकन में से, तो इसी पानी में हम इसे गला लेंगे, यहाँ पर हमें पानी ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पर हम इसे ढक्कन से ढक देंगे और गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे, 10 मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं, ये हमारा चिकन जो है बहुत ही छोटे छोटे पीसेस हैं इसके, इसलिए 10 मिनट में ही अच्छे से गल जाएगा। तो ये गल चुका है और इसका पानी भी सूख चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच विनेगर सफ़ेद सिरका, और 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे सोया सॉस, 1 चम्मच भरकर हम इसमें डालेंगे शेज़वान की चटनी। शेज़वान की चटनी से हमारे चिकन में बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है, तो इसे हम एक बार मिक्स कर लेंगे।
अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो शेज़वान की चटनी यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच डाल सकते हैं, और अगर चाहें तो हरी मिर्च भी कट करके डाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 शिमला मिर्ची को, छोटे छोटे से पीसेस में कट कर लिया है मैंने, और 1 ऑनियन है, प्याज को मैंने कट कर लिया है रफली, उसे भी डाल दिया है मैंने। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमें यहाँ पर 2 मिनट के लिए ढक्कन ढक के हमें इसे पका लेना है कि शिमला मिर्ची और प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर हमने 2 मिनट के लिए ढक्कन को बंद कर दिया है। 2 मिनट हो गए हैं तो हमने यहाँ पर ढक्कन खोल दिया है, तो ये अच्छी सॉफ्ट हो चुकी है और इसका कलर भी अच्छा सा है, कलर चेंज नहीं हुआ है शिमला मिर्ची का। अब यहाँ पर मैंने 1 मुट्ठी भर के हरा धनिया डाल दिया है, तो इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। यहाँ पर हमारी स्टफिंग रेडी है, इसे हम ठंडा कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 घंटे हुए हैं तो ये हमारा जो डो है राइज हो चुका है, तो अब हम इसे एक बार फिर से गूंद लेंगे। एक बार इसे हम इस तरह से मुक्की लगाएंगे तो ये देखिए बहुत ही अच्छा हमारा चिकना सा डो तैयार हो गया है। अब हम इसे बोर्ड पर ले लेते हैं। तो पहले बोर्ड पर हम थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे कि ये चिपके नहीं। अब हम अपना डो इस पर रखेंगे और इसे थोड़ा सा लंबाई के शेप में इस तरह से रोल कर लेंगे। अब हम इसे 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे कट कर दिया है 4 हिस्सों में, और इसके हम पेड़े बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 पेड़े बना लेने हैं। हमारे 4 पेड़े बन चुके हैं। अब हम इसमें से 3 को हटा देंगे वरना ये ड्राई हो जाएंगे। इसे हम ढक देंगे कपड़े से। और यहाँ पर 1 पेड़ा हमने उठा लिया है, इस पर थोड़ा सा हम सूखा आटा डस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा आटा नहीं डस्ट करना है हमें, और इसे हम बेल लेंगे। हमें इसे रोटी की जितनी साइज़ का बेलना है, रोटी से थोड़ी सी बड़ी साइज़ का हम इसे रखेंगे। और यहाँ पर इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा मोटा हमें नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है, तो इस तरह की इसकी थिकनेस होनी चाहिए जैसे कि हम पराठे के लिए बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 रोटियाँ बेल ली हैं। अब हम यहाँ पर एक पैन लेंगे जिसमें हमें ये पकाना है। तो पैन में हम 1 चम्मच तेल डालेंगे और उसे अच्छे से हम पहले ग्रीस कर लेंगे। यहाँ पर हमें रोटी इतनी ही बड़ी लेनी है जितनी हमारे पैन में आ जाए। तो यहाँ पर हमने इस पर 1 रोटी डाल दी है, और अब हम इस पर डालेंगे शेज़वान चटनी। यहाँ पर आप पिज़्ज़ा सॉस भी डाल सकते हैं। अच्छे से हम सब तरफ इसे स्प्रेड कर देंगे। अब हम इस पर रखेंगे अपनी स्टफिंग जो चिकन की हमने बनाई है। चिकन की स्टफिंग को हम सब तरफ अच्छे से फैला लेंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छे से हमने सब तरफ फैला ली है। अब हम इस पर डालेंगे चीज़। मैंने यहाँ पर मोज़रेला चीज़ ली है, तो हम इसे अच्छे से कवर कर देंगे। यहाँ पर अपनी पसंद के हिसाब से खूब सारा चीज़ डाल देना है, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। अब हम इसे कवर कर देंगे दूसरी रोटी से जो हमने बनाई है। तो इसे अच्छे से हम कवर कर देंगे और उसकी साइड्स को इस तरह से हम चिपका देंगे, उंगलियों की मदद से ये चिपक जाएंगे। अब हम इस पर कट के निशान लगा लेंगे। तो छुरी से हमें हल्के हाथों से इस पर कट का निशान लगा लेना है। यहाँ पर मैंने इसे 6 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। यहाँ पर मैंने सिर्फ निशान लगाया है इस पर। अब हम इसे गैस पर रख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम लो रखा हुआ है और इसे मैं ढक्कन से कवर कर दूंगी। 10 मिनट के लिए हमें इसे बेक करना है। 10 मिनट हो गए हैं तो यहाँ पर इसकी नीचे की साइड्स अच्छे से हो गई है। तो अब हम ऊपर की साइड्स पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इसे पलट लेंगे हम। तो पलटने के लिए हम पहले इस तरह से इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, और पैन को भी हम थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। और अब हम इसे इस तरह से नीचे की साइड को भी अच्छे से पका लेना है। तो इसे हमने उल्टी साइड से रख दिया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए फिर से ढक्कन बंद कर देंगे। तो अगर आप इसे चाहे तो आप इसे ओवन में भी 20 मिनट के लिए इसे बेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, तो मैंने इसे निकाल लिया है और यहाँ पर मैंने इसे पलट लिया है। ऊपर से हम थोड़ा सा इसमें जो मस्का है, बटर है, उससे हम इसे ग्रीस कर लेंगे, और थोड़ा सा हरा धनिया हम काट कर डाल लेंगे गार्निशिंग के लिए, और इसे हम कट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी 2 नान तैयार हुई थी, हमने 4 पेड़े बनाए थे, तो इस तरह से हमारी 2 नान यहाँ पर तैयार हुई थी।
तेज़ धार वाली छुरी से आप कट करें या फिर इसे आप पिज़्ज़ा कटर से भी कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पिज़्ज़ा कटर से कट कर लिया इसे। हमारी पिज़्ज़ा नान रेडी है, तो अब हम इसे एक पीस निकाल कर आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह बहुत ही यम्मी बनी थी और बच्चों को तो ये बहुत पसंद आई थी। आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करें, तवे में आप बनाएं बहुत ही अच्छी बनती है। इसे आप गर्म गर्म सर्व करें, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। तो देखिए आप रेस्टोरेंट से भी अच्छा घर में बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड टाइम फूडिशियस। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिलीशियस और टेम्प्टिंग चिकन स्टार्टर की रेसिपी शेयर करूंगी। तो आपने इसे बहुत बार होटलों में खाया होगा, चिकन रेशमी कबाब, जो कि सबका फेवरेट है। इसे हम घर में किस तरह बना सकते हैं, बहुत ही आसान रेसिपी है और खाने में लाजवाब इसका टेस्ट होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन ले लिया है, उसे इस तरह से मैंने स्क्वायर पीस में कट कर लिया है और उसे मैंने अच्छे से वॉश करके साफ़ कर लिया। अब सबसे पहले हमें चिकन का मैरिनेशन कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया है, आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे, आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर डाल देंगे। चाट मसाला पाउडर की जगह में आप लेमन भी डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच यहाँ पर मैंने काली मिर्च पाउडर डाल दिया है, आधा चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे और आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे। 3 हरी मिर्चों को बारीक कट करके डाल देंगे, या तो फिर आप मिर्ची का पेस्ट भी डाल सकते हैं, 1 चम्मच आप ऐड कर सकते हैं मिर्ची का पेस्ट। 3 चम्मच दही को मैंने छलनी में इस तरह से रख दिया था कटोरी पर, तो उसमें सारा पानी निथर गया, तब मैंने इसमें ऐड कर दिया है वो भी दही को। और मैंने यहाँ पर 3 चम्मच जितना फ्रेश क्रीम भी ऐड किया है, आप यहाँ पर घर की मलाई भी डाल सकते हैं। मुट्ठी भर हरा धनिया डाल देंगे हम काट कर और हम अच्छे से मिक्स करेंगे इसे। इसे हमें बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है और यहाँ पर आप हैंकर्ड यानी कि दही का सारा पानी निकाल कर ही इसे यूज़ करना, तो बहुत ही अच्छा सूखा सूखा सा मसाला हमारा बनेगा। तो हम इसे रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए और इसे हम फ्रिज में रखेंगे ताकि इसमें से पानी ना छूटे। तो यहाँ पर देखिए 2 घंटे बाद मैंने इसे निकाला है और अब हम इसे स्कीवर्स में लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने स्कीवर्स में 3 से 4 पीसेस लगा देने हैं। तो बहुत ज़्यादा बड़ी बोटी होगी तो यहाँ पर 3 पीस लगाएंगे और थोड़ी मीडियम साइज़ की छोटी बोटी होगी तो हम 4 पीस लगा देंगे। तो इस तरह से हम इस तरह से स्कीवर्स को तैयार कर लेंगे और सारे स्कीवर्स को हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। स्कीवर्स को आप पहले पानी में भिगो दीजिए, तो इसे क्या होगा जब हम फ्राई करेंगे तो हमारी जो स्टिक है वो जलेंगी नहीं। अब यहाँ पर मैंने स्टिक में से लगा दिया है, इसी तरह से सारे तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा मसाला बिल्कुल भी नहीं बचा है, बहुत थोड़ा सा बचा है, उसे भी हम क्या करेंगे इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे, हम इसे वेस्ट नहीं करेंगे। तो देख सकते हैं आप कितना सूखा हमारा मसाला बना था। तो यहाँ पर हमारा चिकन रेडी हो गया है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो हमें इसे शैलो फ्राई करना है बहुत ही कम तेल में। तो पैन को मैंने गरम कर लिया है और उसमें बहुत ही कम तेल डाल देंगे हम, तकरीबन 2 चम्मच जितना मैंने यहाँ पर तेल ऐड किया है। और इसमें हम अपनी चिकन की स्कीवर्स को रख देंगे। यहाँ पर मैंने 4 स्कीवर्स रखी है और गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम रखना है। हम चिकन को मैरिनेट करके जितनी देर रखेंगे उतना ही जल्दी हमारा जो चिकन है गल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नीचे की साइड्स थोड़ी सी हो गई है, तो मैं इसे पलट दूँगी। अब इसी तरह से हमें नीचे की साइड्स को भी अच्छे से सेक लेना है। हमें इसे हर तरफ से अच्छी तरह से सेक लेना है, तो चारों तरफ से हम इसे अच्छे से सेक लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है इसमें। तो इस तरह से आपने अच्छा 1 मार्क्स आने तक हमें यहाँ पर सेकना है इसे।
अब इसमें अच्छा सा कलर आ चुका है, तो अब मैं इसे निकाल लूँगी। इसी तरह से हमें जो हमारी और चार स्टिक बची हुई है उसे भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो इसी तेल में हमें उसे फ्राई कर लेना है। तो आपने देखा मैंने 2 चम्मच तेल में सारे जो चिकन को है फ्राई कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा चिकन रेशमी कबाब रेडी हो गया है। तो इसे मैंने प्लेट में सर्व कर लिया है। इसे हम प्याज के लच्छे, कोतमीर और नींबू के साथ सर्व करेंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छा, जिस तरह से हम रेस्टोरेंट में खाते हैं बिल्कुल वैसा ही इसका टेस्ट भी था और इसका लुक भी बहुत ही अच्छा है। अगर आप इसे चाहें तो इसमें स्मोकी फ्लेवर देने के लिए आप इसमें कोयले का बघार भी दे सकते हैं। तो अब मैं इसे स्टिक में से छुड़ा लूँगी। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से गल गए हैं, इसीलिए देखिए बहुत ही आसानी के साथ स्टिक से बाहर आ गए हैं। तो मैंने सारी स्टिक्स निकाल दी हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।